हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हम DABB यूनिवर्सिटी के देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर में स्थित है इसकी CCE इंटरनल प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट के जो एग्जाम्स हैं, जो परीक्षाएं हैं जो होने वाली हैं, इसके बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, CCE जो इंटरनल होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, प्रोजेक्ट आपको सबमिट करते हैं होते हैं। कब तक आपको सबमिट करना है आपको कॉलेज में? जी हाँ दोस्तों, कब से कब तक आपको सबमिट करना है इसके बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्लियर आपको बता दिया गया, अगर आपने अभी तक असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम, परीक्षाएँ के लिए सबमिट नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही शेयर कर दीजिए, और जिससे क्या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2 मार्च 2021 को। इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, नियमित परीक्षार्थी के जो आंतरिक अंक होते हैं, इंटरनल सेशन होता है, और जो प्राइवेट छात्रों के जो असाइनमेंट अंक होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए रेगुलर के परीक्षार्थियों के आंतरिक अंक, और स्वाध्याय का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट। तो प्राइवेट छात्रों के जो असाइनमेंट अंक हैं उनको कॉलेज में सबमिट करने की जो डेट है वो बताई गई है, और कब तक आपको सबमिट करना है वो इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, कब तक आप तो सबमिट करनी है। तो दोस्तों, स्नातकोत्तर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्नातकोत्तर नियमित प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, रेगुलर की बात करेंगे तो CCE और इंटरनल और प्रायोगिक यानी कि प्रोजेक्ट के अंक हैं आपको 8 मार्च 2021 तक सबमिट करने हैं आपको अपने कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के CCE इंटरनल और प्रोजेक्ट हैं, इनको 8 मार्च तक सबमिट करने हैं। और दोस्तों, स्नातकोत्तर के जो स्वाध्याय स्टूडेंट हैं यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको केवल और केवल असाइनमेंट सबमिट करना है, वो भी 8 मार्च तक सबमिट करना है। क्या असाइनमेंट सबमिट करना है ओनली, वो भी 8 मार्च तक। जो प्राइवेट के स्टूडेंट होते हैं उनके केवल असाइनमेंट ही सबमिट होते हैं, उनके CCE इंटरनल प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, उनके केवल असाइनमेंट होते हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों, अगर आपने इन कोर्सेज़ में एडमिशन लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं BBA, BCA, BBA, BBA पोरन यानी कि इन कोर्सेज़ में एडमिशन लिया है, तो आप देख लीजिए, तो आपको 15 मार्च तक आपको सबमिट करना है। क्या सबमिट करना है? CCE प्रोजेक्ट और मौखिक कार्य। तो दोस्तों, इन प्रोजेक्ट में, इन असाइनमेंट में अब आपको क्या क्या लिखना है इसके बारे में क्वेश्चंस, जो कि आपको अपने कॉलेज से मिलेंगे, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, असाइनमेंट में किन कौन से क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, सारी जानकारी आपको अपने कॉलेज से मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, 8 मार्च बहुत ही नज़दीक है, तो आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ से क्वेश्चन लेकर आप अपने प्रोजेक्ट को, आप अपने इंटरनल को, आप अपने असाइनमेंट CCE को कंप्लीट कीजिए, जिससे क्या है आपके एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आप इनको सबमिट नहीं करोगे आपको अपने एग्जाम्स में, जो कि एग्जाम्स में आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होने का। ओके, तो दोस्तों, वीडियो का इम्पैक्ट समाप्त मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।